Now next one, this is the another example based on array and pointer properties. In this case, my student declaration part kiya two dimensional array. Is array ke case mein order kya hai iska 3x4. Clear, 3 rows 4 columns. Simply initialization provide kiya jab partial initialization. Iske just was simply integer pointer declare integer pointer ke andar kisi particular element ka address assign kiya hai. इस पर्टिकुलर एरे डेक्लेरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम प्रोवाइड किया है, जस्ट इस वीडियो का लेंथ रिड्यूस करने के लिए. क्लियर, सेम डायग्राम जो कि इस टाइप डायग्राम में ऑलरेडी आपको इंप्लीमेंट करा चुका हूं. इस केस में इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. इस केस में जस्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है जो कि 100, रिमेनिंग एलिमेंट का एड्रेस क्या 102 104 106 108 110 एंड सो ऑन, सेम एज प्रीवियस केस. वन मोर केस मैंने आपको ऑलवेज एक्सप्लेन किया, अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस n है, क्लियर, सम लोकेशन हैविंग एड्रेस एज n, देन इस लोकेशन को एक्सेस करने का, इस लोकेशन का वैल्यू एक्सेस करने का आपके पास लॉजिकल वे क्या है, ऑल्सो बाई यूजिंग स्टार n, सेम एज इन दैट केस. इस केस में जस्ट बात करें, उस केस में 100 की बात करें, इससे होल एरे का बेस एड्रेस क्या है 100, तो इससे कंप्लीट एरे का नेम क्या है 100 के अकॉर्डिंग स्टार 100. स्टार 100 मे बी सिमिलर टू A. Star 100 may be name of first element. Star 100 may be name of first row. Star 108. Star 108 की बात करें, Star 108 क्या है just इस केस में, second row के first element का address क्या है 108, और second row का भी complete base address क्या है 108. तो इस केस में 108 first, Star 108 first element का भी name है, और Star 108 is complete row का भी name है. Clear? Next one, same as in that case. स्टार 116 एंड सो ऑन. फाइनल इस केस में जस्ट आपको चेक करना है, इस केस में वैलिड इंडेक्सिंग क्या है, रो वैलिड इंडेक्स, रोज के लिए वैलिड इंडेक्स क्या है रो सेट, रो के रिस्पेक्ट में वैलिड इंडेक्स पोजीशंस क्या है 0, 1 एंड 2. सिमिलरली अगर कॉलम्स के रिस्पेक्ट में बात करें, कॉलम्स के लिए वैलिड इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3. कॉलम इंडेक्सेस आर 0, 1, 2, 3. क्लियर, लेकिन इस केस में जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इस केस में पॉइंटर डिक्लेरेशन पॉइंट, लेकिन पॉइंटर के अंदर मैंने एड्रेस किस एलिमेंट का असाइन किया है a(1, 6). अगर फिजिकली बात करें तो फिजिकली इस केस में ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं जिसका नेम a(1, 6) हो. क्लियर, इसको जस्ट रिजोल्व करेंगे बेस्ड ऑन गिवन डायग्राम. इन दैट केस फर्स्ट केस में एरे क्रिएट हुआ है, एरे के लिए मैं डायग्राम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ. जस्ट सेकंड केस, सेकंड केस में आपको कॉन्सल्ट्रेट करना है पॉइंटर डिक्लेरेशन पी. तो इस पॉइंटर डिक्लेरेशन पी के रिस्पेक्ट में पी का साइज क्या होगा, जस्ट 2 बाइट. लेकिन इस केस में पी में आसान क्या हो रहा है, पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a(1, 6). क्लियर, देन डायरेक्टली आपको कन्फ्यूज होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अगर आपके पास कोई भी पॉइंटर एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल एरे एज a(i), तो a(i) को आप राइट कैसे कर सकते हो एज अ इक्विवेलेंट पॉइंटर कन्वर्जन स्टार a+i. क्लियर, सेम स्टार a+i के प्लेस पर रिप्लेस क्या कर सकते हैं a(i). सेम एज इन केस ऑफ टू डायमेंशनल एरे, आपके पास कोई 2D एरे एक्सप्रेशन गिवन है, 2D एरे को भी अगेन पॉइंटर्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल. इक्विवेलेंट कन्वर्जन क्या होगा, स्टार देन अगेन स्टार a+i+j, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करके आपके लिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवॉल्व करना पॉसिबल है. इन दैट केस पी इक्वल्स टू इसके प्लेस पर एस्ट a(1, 6) के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, स्टार a(1) को मैं ओपन नहीं कर रहा हूं. इसके इसमें सपोज दैट, इन दैट केस आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जस्ट a(1) को कंसिडर कर रहा हूँ या x, a(1) के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर रहा हूँ x, उसका जस्ट मीनिंग क्या हुआ, एड्रेस ऑफ x(6). क्लियर, देन नेक्स्ट टाइम जस्ट इसको कंसिडर करो एज a(i), तो इसका इंटरनल कन्वर्जन क्या होगा, पॉइंटर कन्वर्जन स्टार a+i, और a के प्लेस पर क्या x, i के प्लेस पर क्या 6. अगेन x को जस्ट रिप्लेस कैसे कराया था a(1) से, तो x के प्लेस पर अगेन आप राइट डाउन क्या कर सकते हो a(1), तो इसका मीनिंग क्या हुआ a(1). क्लियर, चेक कर सकते हो इस केस में a(1) सिंपली क्या है, नेम ऑफ सेकंड रो, फर्स्ट रो का नेम क्या है इस केस में a0 एंड सेकंड रो का नेम क्या है इस केस में a1. तो a1 रियल केस में, इस केस में क्या है, इस सेकंड रो का नेम, सेकंड रो के नेम या रो नेम के प्लेस पर इसको कंसीडर कर सकते हैं नेम ऑफ वन डायमेंशनल एरे, और वन डायमेंशनल एरे के नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इस वन इस सेकंड रो के अंदर, सेकंड रो को आप कंसीडर करो एज अ 1D एरे, इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 108
8 और 108 इस केस में कितनी बाइट को रेफर कर रहा है, 2 बाइट्स। तो फाइनली इस प्लेस पर आप रिप्लेस क्या कर सकते हो, 108 एम परसेंट स्टार 108 प्लस 6, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में ये जस्ट एड्रेस कितने बाइट्स का है, 2 बाइट्स का, तो इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। एम परसेंट से स्टार कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास क्या बचा, 108 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। फाइनली इस केस में मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 12, 12 प्लस 8 इज 120, क्या आएगा इस केस में फाइनली 120। 120 आसानी किस में हो जाएगा, पी में, तो मीन्स पी के अंदर आसानी क्या हो रहा है, 120। पी उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका मेमोरी एड्रेस 120 और 120, 120 मीन्स दैट प्लेस। इस प्लेस का एक और नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी, पॉइंटर पी के रिस्पेक्ट में स्टार पी उस लोकेशन का नेम होगा जिसका मेमोरी एड्रेस 120 है, क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार पी का वैल्यू डिस्प्ले कराओ, स्टार पी मीन्स स्टार 120, और स्टार 120 में क्या स्टोर है, 11, तो इसलिए स्टार पी के इसमें वैल्यू का डिस्प्ले होगा जस्ट 11, क्लियर। सेम एज ए ऑफ 1 ऑफ 6, एरे के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका फिजिकल एड्रेस, फिजिकल नेम आपको ए ऑफ 1 ऑफ 6 हो, मीन्स 1 मीन्स क्या, फर्स्ट रो, क्लियर। मीन्स रो इंडेक्स क्या है, 1, तो रो इंडेक्स तो वैलिड, लेकिन कॉलम इंडेक्स क्या हो रहा है, इसके 6, ऐसा कोई कॉलम है जिसका इंडेक्स 6 हो, नहीं। अगर इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम का इंडेक्स क्या 3, तो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या हुआ 4, और अगेन नेक्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या हुआ 5, अगेन नेक्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या हुआ एस 6, तो मीन्स इसके जस्ट बार 114 के बाद नेक्स्ट कॉलम का एड्रेस क्या हुआ 116, विच इज दैट वन। इस केस में कॉलम इंडेक्स रो 1 के रिस्पेक्ट में कॉलम इंडेक्स कंसीडर कर सकते हैं 4, कॉलम इंडेक्स 5, कॉलम इंडेक्स 6। जस्ट आप इस केस में रिजॉल्व भी कराया था, इस केस में रिजॉल्व कराओगे तो इस केस में प्रीवियस केस में क्या था एम परसेंट, अगर आप एम परसेंट हटा दो इस प्लेस पर स्टार बचेगा, स्टार के रिस्पेक्ट में स्टार किसके लिए अप्लाई हुआ 120 के लिए, तो स्टार 120 से क्या रिप्रेजेंट होगा, मीन इसका जस्ट मीनिंग क्या, इट इज इक्वल टू स्टार 120, स्टार 120 में क्या स्टोर है वैल्यू एस 11, तो दोनों ही केस में क्या आएगा 11। नेक्स्ट में व्हाट अबाउट ए ऑफ 08, देखा जाए तो ए 08 वैलिड इंडेक्स है, इनवैलिड इंडेक्स मीन ऐसा कोई लोकेशन नहीं है इस केस में, 8th तो कॉलम फाउंड हो रहा है, मीन रो इंडेक्स वैलिड है लेकिन कॉलम इंडेक्स कैसा है इनवैलिड, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट कैसा है वैलिड चेक इट, ए ऑफ जीरो को जस्ट आप प्रोसेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स मीन्स दैट वे, ध्यान आपके पास एक क्लियर मीनिंग होगा इसका, जस्ट कन्वर्जन क्या स्टार स्टार ए प्लस आई प्लस जे, जे का वैल्यू क्या जस्ट 8, अगेन स्टार स्टार ए के प्लेस पर क्या इस एरे के सॉरी ये क्या है एरे नेम, और टू डायमेंशनल एरे नेम से रिप्रेजेंट किया तो एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस, फर्स्ट रो का एड्रेस भी क्या है ऑल्सो 100, इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा 100 प्लस 0 प्लस 8। इसे 100 रियल में देखा जाए तो फर्स्ट रो का एड्रेस और फर्स्ट रो का साइज क्या है 8 बाइट्स, तो अगर आप 100 में इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए 8 से, लेकिन यहाँ 0 से इंक्रीमेंट हुआ मल्टीप्लाई बाई 8 भी क्या आएगा ऑल्सो 0, देन इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 100 प्लस 8, लेकिन स्टार 100 चेक कर सकते हो, स्टार 100 जनरली 3 लोकेशंस के नेम, फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम क्या है स्टार 100, फर्स्ट रो का भी नेम क्या है स्टार 100, और होल एरे का भी नेम क्या है ऑल्सो स्टार 100, लेकिन स्टार 100 कौन सा केस है, जस्ट इससे रिप्रेजेंट क्या हुआ था 100 से क्या रिप्रेजेंट हुआ 8 बाइट्स, तो स्टार 100 भी उस कितने एलिमेंट्स का नेम है नेम ऑफ 8 बाइट्स, इसे कंप्लीट रो का नेम क्या है ऑल्सो स्टार 100, क्लियर। स्टार 100 में इसे एरे नेम के किसके सिमिलर है ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 इसे 1D एरे और रो का नेम है रो नेम से रिप्रेजेंट किया और रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो स्टार 100 के प्लेस पर भी क्या आएगा इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, लेकिन इस केस में 100 कितने बाइट का एड्रेस है जस्ट 2 बाइट्स, एड्रेस ऑफ 2 बाइट्स, इस केस में अब 8 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एड्रेस कितने बाइट्स का 2 बाइट्स का, 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, क्या आएगा 16, 100 प्लस 16 इज 116, फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा वैल्यू ऑफ स्टार 116, और स्टार 116 उस लोकेशन का नाम हुआ जिसका एड्रेस 116 है, 116 किसका एड्रेस है दैट प्लेस, इस लोकेशन का नेम क्या है स्टार 116, और स्टार 116 में वैल्यू क्या है 9, तो इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ जस्ट 9। फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, कंप्लीट आउटपुट, आउटपुट ऑफ दिस कोड इज 11
11 एंड 9 इसे 2D array के केस में देखा जाए तो invalid indexes भी हैं, लेकिन इनको logically जब pointers में convert करो देना आपके लिए correct meaning समझना possible है, क्योंकि सारे के सारे array expression memory level पर process किस form होते हैं internally in the form of pointer conversions।